तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हम लोगों की आंसर जो आए हुआ है ये कितनी आ गई है, अल्फा की वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाएगा ऑन सॉल्विंग 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग टर्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों की और इजी मोड की क्वेश्चन होने वाली है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों की ये कह रहा है क्या, देखो इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अरे यार जब भी तुमको ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोल रहा है विच मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता कौन सा है, आई जे के ही होता है ना, तो एक बन गया आई, दूसरी बन गया जे और तीसरी बन गया के, यही ना तीनों म्यूचुअली यूनिट वेक्टर है। एक मेरा आई है, दूसरी ये जे है और ये क्या है मेरा के है। क्वेश्चन घुमा रहा है बच्चों की प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड ये चेक कर रहा है सिर्फ। ठीक है कह रहा है यूनिट वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विथ ए बी सी, मतलब आई प्लस जे प्लस के साथ बराबर एंगल पर झुकी हुई है। इसकी डॉट आई के साथ अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, वन इंटू इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी रूट थ्री, और ये क्या होगा कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट करने पर वन इक्वल टू आ गया ये रूट थ्री कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या होगी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया वन बाय रूट थ्री आ गया। ओके तो हम लोगों को ये कॉस टू थीटा पहले चाहिए, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसकी अगर तुम स्क्वायरिंग करते हो तो टू बाय थ्री माइनस वन, ये क्या आएगा माइनस वन बाय थ्री आ गया। अब हम लोगों को ये माइनस वन बाय थ्री 36 कॉस स्क्वायर टू थीटा चाहिए, तो 36 कॉस टू थीटा की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री की स्क्वायर, 36 इंटू वन बाय कितनी होगी नाइन, नाइन फोर जाए कितना होगा फोर, तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हम लोगों को आएगा कितनी आ जाएगा फोर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ओके तो इस तरह की क्वेश्चन को तुम देख रहे हो कि इसकी आंसर हम लोगों को फोर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग टर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन है और फंक्शन की टाइप की क्वेश्चन है, फ्रेमिंग क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। ओके जब फ्रेमिंग क्वेश्चन है ना तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ों पर फोकस करनी है। ठीक है देखो सबसे पहली चीज़ें हैं ये हमको दिया हुआ है, कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है आई जे और ये एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम कैलकुलेट करनी है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए, डिटर्मिनेंट जो ए हमारा बनेगा देखो कह रहा है क्या ये चीज़ें आई जे की वैल्यू इक्वल टू वन, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर एलिमेंट ही डायगोनल एलिमेंट ही आई जे होता है। ठीक है आई माइनस जे इक्वल टू वन उसका मॉडुलस ये वन टू है तो इसकी मॉडुलस ये और क्या यहाँ की और क्या यहाँ की और क्या हम लोगों की यहाँ की और ये क्या है 2x प्लस हम लोगों को कितना दे रहा है 1 दे रहा है अदरवाइज, तो ये 2x प्लस 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, यही हम लोगों का क्या हुई fx हो गई, तो ये क्या हो गया 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो एफ डाइस एक्स निकालोगे चरतिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 4 कॉमन कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस कितनी हो जाएगी माइनस 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगी। ओके ये हम लोगों की एफ डाइस एक्स की वैल्यू है, तो ये 4 इंटू इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये 3x प्लस 1 होगी और x माइनस 1 होगी, तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं 4 मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा और एंड मिनिमा हम लोग पुट क्या करते हैं f डैस x इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 और क्या आ जाएगा 1, तो एक वैल्यू पर मैक्सिमम मिलेगा दूसरी पर मिनिमम मिलेगा अंडरस्टूड है। अगर f1 कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो माइनस 4 होगी, f माइनस 1 बाय 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 बाय 27 होगी। नाउ क्या कह रहा था हम लोगों को सम सम
कैलकुलेट करनी है तो माइनस फोर प्लस ट्वेंटी बाई ट्वेंटी सेवन ये होगी, और इसे कैलकुलेट करने पर 88 बाई 27 आ जाएगा, और यही हो जाएगी हम लोगों को इस क्वेश्चन की सम, जो मैक्सिमा और मिनिमा की सम कह रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये बच्चों हम लोगों का लिमिट की क्वेश्चन है, और लिमिट की क्वेश्चन है इसमें देखो सबसे पहले अगर तुम इसकी फॉर्म चेक करते हो तो x के जगह पर अगर तुम पुट करते हो जीरो, क्या पुट करते हो x के जगह पे जीरो तो ये वन की पावर जो कन्वर्ट होगी ये इन्फाइनाइट कन्वर्ट हो रही है। वन की पावर इन्फाइनाइट कन्वर्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे हम लोग लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग जीरो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स है साथ में, और ये माइनस वन इसमें से करेंगे तो ये हम लोगों का वन माइनस कॉस एक्स रूट ओवर कॉस टू एक्स ये बनेगा। देखो इसकी रेशनलाइजेशन कर देते हैं, वन प्लस कॉस एक्स और रूट ओवर कॉस टू एक्स ये कर देते हैं बाई ये वन प्लस कॉस एक्स रूट ओवर कॉस टू एक्स ये हो जाएगी। ओके, और ये करने पर देखो ये हम लोगों की e की पावर लिमिट x टेंडिंग जीरो रहेगा। देखो ये जो है ना एक्स स्क्वायर बाई टू, और साथ में मैं इस टर्म को ला लेता हूँ वन प्लस कॉस एक्स रूट ओवर कॉस टू एक्स को ले लेते हैं। ओके, अब ये हम लोगों के पास ए स्क्वायर, ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा कॉस टू एक्स, और ये जो एक्स है ना इसके इधर शिफ्ट कर लो, ये हम लोगों की फाइनाइट है, फाइनाइट है तो वैल्यू शिफ्ट कर लो, जीरो पुट करोगे ये जीरो होगी, ये टू और ये कितनी होगी जीरो वन वन, ये टू टू बाई टू कट के वन, तो फाइनली हम लोगों को ये बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, और ये हो गई वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू एक्स बाई क्या आ गया हम लोगों को ये एक्स आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर पुट करनी है वैल्यू, तो इसे मैं क्या लिखूंगा इक्वल टू ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, और ये बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई क्या है हम लोगों की एक्स है, तो ये ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, ये वन माइनस टू कॉस की पावर फोर एक्स माइनस क्या आ जाएगा हम लोगों को टू टू माइनस माइनस प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या आ गया ये एक्स आ गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोगों को ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ये वन टू माइनस टू जीरो बाई जीरो फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर देते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो ये फोर टू जा कितना होगा एट कॉस क्यू एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस एक्स की डेरिवेटिव साइन एक्स ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस टू कॉस एक्स इंटू क्या आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स की डेरिवेटिव कितनी आ जाएगा वन, तो देखो ये जीरो और ये जीरो जीरो बन गया क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, तो ये ई की पावर क्या बन गया हम लोगों का जीरो, ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, इस क्वेश्चन के आंसर जो आ जाएगा फिर हम लोगों को क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से तुम लोग देख रहे हो कि हम लोगों की क्लासरूम में क्या हुआ, सेम क्वेश्चन और डिट्टो क्वेश्चन आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग मूव करते हैं, तो जो हम लोगों की नेक्स्ट क्वेश्चन होगी ये जो क्वेश्चन है ना ये है, कह रहा है इफ द फोकल कोड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64 एक्स इज ऑल्सो द टेंजेंट टू द सर्किल x प्लस टेन की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 रूट टू एम प्लस सी इज। देखो बच्चे यहाँ पर जो बोल रही है ना पैराबोला, देखो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64 एक्स है, और यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगा 16 चौका 64 तो ये 16 हो जाएगा, और पैराबोला जो यहाँ पर तेरा बनेगा वह पैराबोला यहाँ पर इधर और इस पर इधर बनेगा, ये बनेगा, कह रहा है इस पैराबोला की फोकल कोड ये है। चलो भाई मेरे फोकल कोड जो ये लाइन हम बना रहे हैं ना, तो ये हम लोगों की फोकल कोड है, तो ये फोकस से पास करेगा, निगेटिव है इसीलिए पैराबोला इधर माइनस 16.0 ये y इक्वल टू जो है एम एक्स प्लस सी फोकल कोड है सेटिस्फाई करेगा, 0 इक्वल टू माइनस 16 एम प्लस सी तो c इक्वल टू कितना हो गया 16 एम हो गया, तो c की वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब देखो कह रहा है कि सर
ये जो है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक जो सर्कल है, एक हम लोगों की क्या है सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन जो है x प्लस टेन की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू फोर दिया हुआ है, तो इसकी सेंटर माइनस टेन कॉमा जीरो और रेडियस टू। अगर ये सर्कल है और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वह रेडियस के बराबर होगा, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस तो 2 है, 2 के बराबर होगी, तो ये माइनस टेन एम प्लस सी बाई जो बन रहा है रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर की मॉड। देखो इसको सी के जगह पे अगर हम लोगों को देखो सी की वैल्यू कितनी आया है 16 एम आया है, तो ये 16 एम तुम यहाँ पर पुट करते हो तो ये 6 एम हुआ, 6 एम की स्क्वायर 36 एम स्क्वायर हो गया, और ये 4 हुई इंटू क्या 1 प्लस एम स्क्वायर हुई, ये कट गया 9 हुआ तो 8 एम स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एम इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 2 आ गया। ओके एम की वैल्यू आ गई 9। हम लोगों को क्वेश्चन में जो कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ये कह रहा है क्या 4 रूट 2 एम प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो 4 रूट 2 और एम प्लस सी, तो 4 रूट 2 एम की वैल्यू तुम लोग देख रहे हो सी की वैल्यू 16 एम, तो ये 17 एम हुआ, तो 4 रूट 2 इंटू 17 बाय 2 रूट 2, रूट 2 कटे ये 2 कटे, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 34 आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन की आंसर हम लोगों को कितनी आ गई 34 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन से मैच करोगे 34 आ जाएगा इस क्वेश्चन की। अभी तक बच्चों हमारे पास जितनी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा मेरे पास पहुंचा है उन सारी क्वेश्चन को डिस्कशन मैं दे रहा हूं, ठीक है, और सारी क्वेश्चन का डिस्कशन आपको आनी भी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप तुम लोगों का बन गया ना, ये कम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोगों की मॉडुलस ऑफ जेड इंटू ओमेगा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, साथ में आर्ग्यूमेंट जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ओमेगा ये जो दिया हुआ है ये इक्वल टू 3π/2 दिया हुआ है, क्या मैं इसे मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट जेड की बातें हैं तो इसको 3π/2 प्लस क्या लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ओमेगा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ ओमेगा इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा, तो मेरा जेड क्या हो जाएगा 1/r ई टू दी पावर आई 3π/2 प्लस क्या आ जाएगा थीटा, क्योंकि इसकी आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएगा तो ये थीटा यहाँ पर आएगा तो 3π/2 प्लस थीटा। और यहाँ से तुम देख रहे हो कि हम लोग लिख सकते हैं क्या मॉड जेड इक्वल टू 1/mod ओमेगा, जेड की आर्ग्यूमेंट जो होगी 1/ओमेगा की, इसीलिए इसकी आर्ग्यूमेंट क्या है आर है, तो इसकी क्या हो जाए ये मॉडुलस इसकी क्या है आर है, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, इसीलिए इस मॉड जेड इक्वल टू 1/r, तो वही चीज़ें यहाँ पर पुट हुई है, ये हो गई। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं जेड इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो ये 1/r e टू दी पावर i 3π/2 प्लस थीटा। देखो बच्चों अब क्वेश्चन में है ना ये जेड कंजुगेट ओमेगा है और डिनोमिनेटर में भी है, यही चीजें कैलकुलेट हम लोगों को करना है। ओके नाउ जेड कंजुगेट ओमेगा, तो ये जो बनेगा ना जेड कंजुगेट 1/r e टू दी पावर, जैसे ही कंजुगेट है तो माइनस लगेगा, तो ये i 3π/2 प्लस क्या आ जाएगा थीटा इंटू आर e का पावर क्या आएगा आई थीटा, आर आर कैंसिल हो गई तो ये e की पावर ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगा, ये हम लोगों की ये जो टर्म है ना ये माइनस में है। ओके क्योंकि आर्ग्यूमेंट कंजुगेट में माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आई 3π/2 बनेगा, इसे हम लोग कॉस 3π/2 माइनस आई साइन 3π/2 लिखते हैं, तो ये जीरो हो गया माइनस आई इंटू माइनस 1 ये आई आ गया। तो नौ आर्ग्यूमेंट हम लोगों को जो कह रहा है 1 - 2i हो गई बाय 1 + 3i हो गया, यही कैलकुलेट करनी थी हम लोगों को, इसकी रेशनलाइज कर लो 1 - 3i बाय 1 - 3i, ये आर्ग्यूमेंट आ गया। ये सॉल्व करने पर जो बनेगा
माइनस फाइव बाई टेन और माइनस फाइव बाई टेन आई बन रहा है, ये क्वाड्रेंट नंबर थ्री में पहुंच रहा है, तो आर्गुमेंट इसमें क्या होती है, तो थ्री नंबर में माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो ये वन होगी, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर, तो ये माइनस थ्री पाई बाई फोर आंसर हो गए इस क्वेश्चन की आर्गुमेंट। ओके, तो यही क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा था कैलकुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, अब क्वेश्चन थी ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों की, ये जो क्वेश्चन लिखना चाहिए था कंटिन्यूटी की क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन को सीक्वेंस जो होनी चाहिए, एफ एक्स जो होनी चाहिए, ये देखो माइनस ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस इनफाइनाइट से जीरो में ऐसे होनी चाहिए, उसके बाद जीरो ए प्लस इंटीग्रल पार्ट माइनस एक्स, और ये जीरो से वन में हुई, और ये क्या हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये जो अब हम क्योंकि बीच वाली टर्म हमको लिखनी है, यहाँ पर कौन सी टर्म लिखनी है, देखो ये है टू एक्स माइनस बी, टू एक्स माइनस बी ये है तुम्हारा वन से लेकर के इनफाइनाइट तक, देखो ये वन शॉट की क्वेश्चन है, कैसे तुम लगाओगे, कह रहा है एफ एक्स कंटिन्यूस है तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए, ओके, लेकिन एफ एक्स क्या कह रहा है कंटिन्यूस है पूरे रियल नंबर पे, जब कंटिन्यूस है तो देखो ए और बी जो है ना मेरा, ए और बी की जो वैल्यू हमारा बन रहा है ना, वे इसमें ए है और इसमें है, तो अब हम लोग कंटिन्यूस है तो ये वन इसमें पुट करो और ये इसमें पुट करो, एट एक्स इक्वल टू वन पर तुम देखोगे इसमें पुट करोगे तो a माइनस वन होगी इक्वल टू, ये वन डालोगे तो टू माइनस बी, ए उधर ले जाओ, a प्लस बी इक्वल टू कितना थ्री आ गया हम लोगों की क्वेश्चन की आंसर। ओके, तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि ओवरऑल हम लोगों के पास इस क्वेश्चन की आंसर आ गई। ओके बच्चों, बच्चों मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, अभी तक हमारे पास जितनी क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में इतनी क्वेश्चन हम लोगों के हमारे पास पहुँच हुई है, तो मैंने जितनी क्वेश्चन आया सारे क्वेश्चन की डिस्कशन आप लोगों को दे दिया। इसी तरह आपको जेई शिफ्ट टू की भी क्वेश्चन चाहिए, कल की भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब पर और क्लासेस में, आपको सारे चीज़ों की डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। ओके, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ही पहुँची हुई थी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट।